तो गाइस अगर आप भी BGMI खेलते हो एमुलेटर के अंदर, ब्लू स्टैक के अंदर, और BGMI जब भी अपडेट आता है, मतलब हर अपडेट पे, BGMI के हर अपडेट पे पीसी वाले प्लेयर का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। प्रॉब्लम ये है गाइस, ये जो आप कंट्रोल देख रहे हो ना, ये कंट्रोल मतलब कीबोर्ड से काम नहीं करता है। कीबोर्ड का बटन जो होता है ना WASD से आगे पीछे होता है अपना कीबोर्ड से, मतलब जब दबाता हो ये कैरेक्टर आगे पीछे होता है। बट अभी जो है ये कीबोर्ड से काम ही नहीं हो रहा यार अपडेट के बाद। मेरा भी सेम वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख सकते हो मैं कीबोर्ड का जो है मैं बटन दबा रहा हूँ। ये देखो आपको आवाज़ आ रहा होगा शायद से, ये देखो मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन ये काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड हाँ, बहुत लोगों का कीबोर्ड काम कर रहा है लेकिन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है आगे पीछे ऐसे, कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से नहीं दौड़ता, ऐसे दौड़ता। तो आपका भी सेम अगर कुछ इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे इसको फिक्स करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका BGMI मतलब ब्लू स्टैक के अंदर, BGMI के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को कमेंट पे बता सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आपका हेल्पफुल कर सकूँ ऐसा, तो जरूर बताना मेरे को कमेंट पे। और चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको जाना है फर्स्ट की मैपिंग जाना है। तो की मैपिंग जाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा गेम कंट्रोल एंड देन कंट्रोल एडिटर। एंड आपको जो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं करना है, जस्ट नॉर्मली आपको यहाँ पे आपको की जो की मैपिंग दिखेगा ना डी पैड का जो यहाँ पे की मैपिंग दिखेगा आपको कट कर देना है। आपका जितना भी होगा, आपका साथ से एक ही होगा, सिंगल होगा, बट यहाँ पे मेरा 3-4 है, यहाँ पे देख सकते हैं कट किया, दूसरा एंड तीसरा, मेरा तीन की मैपिंग है, बट आपको आपका एक ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कट कर देना है एंड यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा फीचर होगा राइट साइड, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कर्सर। तो अब आपको करना क्या है, ये जो थर्ड नंबर पे डी पैड दिखेगा ना, डी पैड को यहाँ पे खींच के लेके आना है, कुछ यहाँ पे लेके आकर छोड़ देना है। इतना सा नहीं, अब आपको करना क्या है, मेन चीज़ तो अभी बाकी है मेरे भाई। अभी मेन चीज़ ये क्या है कि यहाँ पे आपको खींच के लेके आके यहाँ पे रुक मतलब छोड़ देना है। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्लिक करने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके रहना पड़ेगा माउस, ठीक है, एंड क्लिक करके रह के यहाँ पे खींच के लेके यहाँ पे आके छोड़ देना है। एंड आपको अभी क्या करना है, ये जो आपको ये चीज़ दिखेगा ना, ये चीज़ मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे आके इस चीज़ को बड़ा कर लेना है, खींच लेना है, खींच के बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड सेव कर लेना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंट्रोल यहाँ पे काम कर रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे गाइस इजीली काम कर रहा है भाई, यहाँ पे मस्त तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे फास्टेस्ट दौड़ रहा है, फायरिंग वगैरह सब कुछ परफेक्टली हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, मेरा माउस कीबोर्ड सब कुछ काम कर रहा है एकदम परफेक्टली। तो गाइस अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपका कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को कमेंट पे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।